हम बात कर रहे हैं HFCL की। आज के दिन में हमको इसमें बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली 3% के ऊपर के अपसाइड के साथ। इस वक्त स्टॉक जो है 87.90 पैसे पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले सारी वीडियो में हम लगातार डिस्कस करते आ रहे थे कि स्टॉक 80 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है। 80 के ब्रेकआउट के बाद हमको 90 से लेकर 100 तक के टारगेट को हमने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में, और हम देख सकते हैं 90 का टारगेट भी आज के दिन हमको हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। 90 के टारगेट स्टॉक ने आज के दिन हमको बता चुके हैं, इसको ब्रेकआउट किया था लेकिन ऊपर की ओर सस्टेन नहीं हो पाया, वहाँ से हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हम देख सकते हैं स्टॉक ने इससे पहले भी गिरावट दिखाई। 84 रुपीज़ का लेवल इसका सपोर्ट जोन है। 84 इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये जो लेवल है जहाँ इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था, हम देख सकते हैं इससे पहले यहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था, अगेन जब ब्रेकआउट किया है और गिरावट आई तो इसी लेवल से हमको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 82 का लेवल अब इसका एक तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। 82 का लेवल अगर 84 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 82 तक का फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये बड़ी तेज़ी का हमको सिग्नल नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं, स्टॉक एक ही रेंज में सस्टेन। आज के दिन में बड़ा जंप 90 के लेवल को टेस्ट किया है और अब कल के दिन में हमको और बड़ी तेज़ी देखने के लिए इसमें मिल सकती है। 90 का लेवल भी ब्रेकआउट होता हुआ हमको कल के दिन नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। हमको नज़र रखनी है 90 के लेवल पे, हमारा अब इमीडिएट टारगेट रहेगा क्योंकि स्टॉक ने रिजेक्शन ले चुका है 90 के लेवल से, इमीडिएट टारगेट। और 90 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसी कंडीशन में 94 से लेकर 100 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।